ये कितने दिनों में बनता है एक दीवार? एक दीवार एक लाइन है ये नीचे की, हाँ एक दिन में एक ही लाइन होती है। अच्छा, एक लाइन होती है। हाँ। बिना ईंट पत्थर से किस प्रकार राजस्थान के आदिवासी अपना घर बनाते हैं, आइए देखते हैं। भाई ये घर कर रहे हो? ये कर रहे सर। अच्छा ये घर, घर इसको क्या बोलते हैं? घर। अच्छा गोबर है और क्या मिक्स किया साथ में? मिट्टी है। गोबर मिट्टी मिक्स करके कर रही हूँ, यानी कि गोबर जो है लेके आई है, पानी भी लेके आई है और ये आपका जो घर है तैयार करेंगे। तो इनसे मैं बात करूंगा कि आप गोबर कहाँ से लाए, चिकनी मिट्टी कहाँ से लाए, पानी कहाँ से लाए, वो सारी पूछूंगा मैं आपके यहाँ पर। अगर मैं आपको पूछूं बहन जी, आपका नाम क्या है? सीमा जी। जी सीमा जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे आपका ये खूबसूरत घर है, छोटा घर है आपका, तो ये आपने खुद नहीं बनाया है? हाथों से बनाया है। अच्छा तो क्या समस्या है सीमा जी आपके लिए, मतलब जैसे सबसे संघर्षशील क्या है कि मतलब ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है? पानी भी नहीं है। पानी नहीं है? पानी की कितनी किल्लत है यहाँ पे? वहाँ से लाते हैं सर, वो गाड़ी खड़ी करी है तो वहाँ से आप मटके से लेके आते हैं? हाँ, तो गर्मियों में तो पानी की समस्या और ज्यादा होती होगी। फिर नदी में जाना पड़ता है। नदी में जाना पड़ता है, ज्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा, वहाँ से लाते हैं। तो अब जैसे आप ये चिकनी मिट्टी है, गोबर है, सब उठा के लेके आए? अच्छा, वो सामने, हाँ वहाँ से लाते हैं, वहाँ से पहाड़ से। तो आपके लिए तो ये तो पानी लेके आना, और भेड़ बकरी भी है, गाय भी है आपके पास, खेती भी का काम भी करते हैं आप? जी, तो देख सकते हैं आप इनका ये प्यारा सा घर है। कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे हैं। दो लड़के। पढ़ाई करे हैं आपने? हाँ। कितना पढ़े आप? सातवीं तक पढ़े ना। कौन सा काम है आपका? ये वाला नहीं, आपका जो जन्मभूमि आपकी? मेरा घर तो पियर, तो वहाँ होता है देवल। देवल, अच्छा। हाँ, तो आप दोनों पति पत्नी दोनों खेती का काम करते हैं? हाँ। और ये घर आपने कब बनाया था? ये हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए ना। ये जमीन आपकी है? ये पूरी ये है ना। अच्छा, उसके भी और आगे और है। तो आपकी मतलब मेन मुख्य जो समस्या है इन पहाड़ों में, पानी की समस्या है। कभी ऐसा होता है कि पानी मिले ही नहीं और काफी दूर जाना पड़ता है या मंगवाना पड़ता है पानी के टाइम में? आप थोड़ा इधर आके बोलिए ताकि आपकी आवाज भी अच्छी आए। और गर्मी के टाइम में नदी में भी जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये आपका पहनावा है, धोती और चोला? ये कोई मर गया है ना। अच्छा, जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ मैं समझ गया। अच्छा, उस दिन ये पहनते सिर्फ, बाकी ये पैंट शर्ट भी पहनते हैं? सफेद पहन के जाते हैं ना परियावर में, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा, और शादी के टाइम में? शादी के टाइम पैंट पैंट शर्ट। ये रोड सामने वाला है ना, उस साइड कनेक्शन पूरा हो गए, ये साइड वाले कनेक्शन बाकी है। किए नहीं अभी तक? नहीं किए, हो जाएंगे। ये घर है दोस्तों, और इस घर को जो है, अब ये जो आपने गोबर तैयार किया इससे कहाँ कहाँ लिपाई करोगे आप? अच्छा, ये तो ये घर है, इसके बाहर की ये लिपाई नहीं करते? बाहर का, बाहर वाला नहीं, घर है ना। दो साल और रखेंगे इसको, प्लास्टर करेंगे आप? अच्छा, प्लास्टर करोगे? पक्का करेंगे, जब पैसे आएंगे जब तो। अच्छा, वो सामने गाड़ी खड़ी करी, हाँ इस तरह करेंगे। अच्छा, वैसा पक्का कर, पक्का घर बनाओ? पक्का करना। अच्छा, इसके ऊपर सीधा सीमेंट का प्लास्टर करो? हाँ, सीधा सीमेंट चिपक जाएगा इसमें? हाँ, चिपक जाएगा। ये सीमेंट के ऐसा ही बन जाएगा, वो सामने घर दिखाए, हाँ उनका जैसा वैसा बन जाएगा। इसके लिए रहने देते हैं, ये नीचे नीचे करता है, फिर यहाँ चौका लगेगा। पैसे की आवक नहीं है इसलिए किया नहीं प्लस। देखो, अच्छा ये कमाने वाला तो है, ये जो ये मिट्टी लाए हो आप, कहाँ से ले आए? ये पेड़। अच्छा, ये उसको खोदाई करके और निकाल के और चाल के और फिर बाद में लाते हैं। अच्छा, कौन सा पेड़ था ये? ये ऐसी मिट्टी निकलती है पेड़ के नीचे की मिट्टी है ना, इसमें लकड़ी के कण है थोड़े? नहीं नहीं, लकड़ी का नहीं, लकड़ी का नहीं, ये खाली मिट्टी है, ये गोबर है। गोबर किसका है? ये गाय का और भैंस का। इससे जैसे फर्श एक लीपते हैं, अंदर से लीपते हैं तो ठंडा भी रहती है, ठंडा रहता है ना। तो कितनी बार लीपते हैं उसको, कितने दिनों में? दोबारा में दो बार आता है, जब तैयार आता है तब। देखो अब करेंगे दीपावली पे करेंगे, वैसे ही करते हैं, बहुत दिखता है ये। अच्छा, त्योहार पे? अच्छा, होली आ रही है इसलिए कर रहे हो? अब करेंगे साल में दो बार लीप। हाँ, मारने वगैरह भी बनाते हो इसमें फूल वगैरह?
नहीं वो नहीं। अच्छा सिर्फ गोबर लिंपाई करते हो। कितना टाइम लगता है आपको इसके ये फर्श लिंपने में? एक शाम तक। शाम तक है? आज का पूरा दिन आपका लिंपाई करेगा। राजस्थान कहाँ शुरू होता है? बिछवाड़ा है ना, रतनपुर बॉर्डर, वहाँ से ये पूरा रास्ता राजस्थान है। हाँ, पूरा रास्ता। अब ये जो जगह है ये कौन सी? ये भी राजस्थान। क्या क्या नाम है यहाँ इस जगह का? मुंडवाड़ा बी। मुंडवाड़ा बी। अच्छा आपका नाम क्या है? राजेंद्र जी। राजेंद्र। अच्छा तो ये घर आपका क्या एकदम कच्चा है? एकदम कच्चा है। किससे बना एक बार बता सकते हो? ये जो ये हम मट्टी से बना रहे। दीवार दीवार। हाँ दीवार। वो पाया आता है। थोड़ा बता दो हाथ से। यू है ना, ऐसा पाया आता है। अच्छा पाया आता है लकड़ी का। हाँ फिर इसको ठोकते हैं। अच्छा ठोकते हैं। हाँ दोनों तरफ लकड़ी के पाया लगा। हाँ दोनों तरफ चारों तरफ आता है। तो ये तो एकदम कच्ची मिट्टी। कच्ची मिट्टी है ये। अच्छा तो ये बारिश वगैरह में गीली होती है? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं होता है। इसको मतलब मजबूत ठोकते हो? ये कितने दिनों में बनता है एक दीवार? एक दीवार एक लाइन है ये नीचे की। हाँ एक दिन में एक ही लाइन होती है। अच्छा एक लाइन होती है। हाँ। कितनी? एक फीट की? एक फीट की। एक फीट ऊंची? हाँ। और ये कितना फुट लंबी है? 17 फीट। 17 फीट। कितने लोग लगते हैं? दो ठोकने वाले। दो ठोकने वाले। तीन लेबर। तीन लेबर इसमें मसाला भरने वाला। हाँ, मसाला भरने वाला। मसाला अच्छा। रेत ही है पूरी। हाँ वो मतलब रेत। हाँ। ये रेत कहाँ से खोद के लाते हो? खेत की? खेत में। अच्छा खेत से कहीं भी खोद लेते हो? अंदर से दिखा सकते हैं? हाँ देख सकते हो अंदर जाके। कोई नहीं। आप आओ ना। अरे कोई नहीं कोई। अरे आओ आओ। चलो बताओ मुझे क्या चीज है। सब ऐसे ही है। अच्छा ये मेन गेट है? हाँ ये मेन गेट। अच्छा हाँ खेती बाड़ी करते हैं सर? अच्छा खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा कुछ भी नहीं। अब रसोई कौन सा? खाना बनाने का कौन सा? अच्छा ये रसोई है। ये रसोई है देखो। अच्छा ये रसोई है। अंदर कुछ सकता हूँ? अंदर तो अंदर है। ये अंदर ये आपका मतलब मेन रूम है? हाँ मेन रूम। अच्छा हाँ अच्छा। आपकी बकरी अंदर खा रही कुछ? हाँ वो तो खाते हैं छोटे हैं। अच्छा छोटे हैं खाते रहते हैं? गेहूँ खाते हैं वो। अच्छा गेहूँ खाते हैं। आप भेड़ बकरी पालते हैं? हाँ सब बेस। ये पूरी इस दीवार ऊपर जाके छोटी कर लेते हो? अच्छा नीचे बड़ी होती है? हाँ नीचे बड़ी होती है। हाँ? यहाँ से ये छोटी हो जाती है। यहाँ से छोटी कर देते हैं। पर ये भी है खिड़की। हाँ? है। अच्छा पूरा वो। हाँ, गार तो पक्का मकान बनाते हैं ना। हाँ? कुर्सी छोड़ते हैं ना। हाँ? इस तरफ कुर्सी छोड़ते हैं। अच्छा ऐसा छोड़ते हैं। ये पूरा मतलब मिट्टी जो जमीन से खोद के मिट्टी लाते हो उस मिट्टी से बनाते हो? अच्छा आपका क्या नाम है? इसका नाम है गुड्डू। अच्छा गुड्डू। हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल नहीं जा रही। स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। बच्चों को पढ़ाते नहीं आप लोग? नहीं पढ़ाते हैं। हाँ? मम्मी पापा वो बाहर ही रहते हैं। अच्छा मम्मी पापा बाहर रहते हैं। हाँ, आपकी बच्ची नहीं है? ये मेरी भतीजी है। भतीजी है? हाँ, भाई की बच्ची। अच्छा पापा क्या काम करते हैं? कड़िया काम। कड़िया क्या होता है? चंत्र प्लास्टर। अच्छा प्लास्टर का काम कहाँ पर करते हैं? अहमदाबाद। अच्छा अहमदाबाद गुजरात साइड में ज्यादा? हाँ, गुजरात साइड में। मैं भी वहीं रहता हूँ। अच्छा आप भी गुजरात में काम करते हो? अब छुट्टी आए हुए? होली आएगी। अच्छा होली के लिए आए हो। होली में क्या क्या फंक्शन होते हैं यहाँ पे? यहाँ सर आते हो तो फिर आप विशा करते हो ऐसा नाटक फंक्शन होता है हमारा। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए ये अंदर का घर है जो राजस्थान के मीणा जनजाति हैं, मीणा जाति के लोग जो हैं। ये क्या है? ये झाड़ू। झाड़ू है? झाड़ू है। अच्छा ये झाड़ू है? खजूर का झाड़ू। खजूर का झाड़ू बनाते हैं दोस्तों। ये मीणा जो है डूंगरपुर में आते हैं? नहीं उदयपुर जिला। अच्छा उदयपुर शुरू हो गया यहाँ से? उदयपुर। उदयपुर जिले में। देखिए दोस्तों खेरवाड़ा से यहाँ से पूरा उदयपुर। हाँ। बिछवाड़ा से आगे गुजरेंगे डूंगरपुर जिला लगेगा। डूंगरपुर जिला लगेगा।